मुद्दा है, क्या मामला है? सनातन धर्म की जय है। जिस तरह आप लोगों को मीडिया के माध्यम से ज्ञाति है कि कर्नाटक में काम कुमार जी महाराज जो जैन समाज से हैं उनकी जिस तरह से अपहरण करके एकदम निर्दयी तरीके से टुकड़े कर दिए गए और उस टुकड़ों को शरीर के बोरिंग में डाल दिया, आज संतों पर कर्नाटक ही नहीं अपितु भारत में कितनी घटनाएं हो रही है। हम उन राज्य सरकारों को, केंद्र सरकार को, राज्यपाल महोदय के और राष्ट्रपति महोदय को आज ये सनातन समाज एक ज्ञापन देने आया है कि संतों, मंदिरों, मठों और ग्रंथों व सनातन धर्मियों के बच्चों की या परिवारों की जे इस तरह ही ये आतंकवादी या आतताई या कुछ ऐसे समाज और वो समाज के जो कुदृष्टि रखने वाले उनको यदि कड़ी से कड़ी सजा नहीं दी और उस आखिरी चैन तक नहीं पहुंचा तो ये सनातन समाज भीलवाड़ा ही नहीं, आज जिस तरह राजस्थान बंद है कल पूरा भारत भी इसी तरह इसी रुख पे आएगा, उसको सरकार और शासन को जवाब देना पड़ेगा। इस घटनाओं को तुरंत प्रभाव से रोककर उन जो भी आतताई हैं या जो भी दोषी हैं उनको कठिन से कठिन सजा दी जाए और उनके पीछे का जो संगठन है, कौन संगठन के पीछे हाथ रखा हुआ है, उनको भी सख्त सख्त पाबंद की जाए और बंद किया जाए। समाज वो पूरा सकल सनातन समाज एक साथ मिलकर आज जो ज्ञापन किया दिया और बंद का आह्वान किया उसके लिए हम पूरा समाज सबका बहुत आभारी है। एक चंद तीन दिन और चार दिन की तैयारी में इतना बड़ा आयोजन आज यहाँ हुआ है और पूरा जैन समाज इससे आह्लादित है कि एक संत की हत्या, निर्मम हत्या कर्नाटक में की है, उसके विरोध में पूरा भीलवाड़ा इकट्ठा हुआ है और सबने बाजार बंद किए हैं। इवन देन जो केमिस्ट एसोसिएशन कोई बंद नहीं होता है वो भी आज बंद है, और बार एसोसिएशन उन्होंने आज पूरा बार एसोसिएशन भी बंद कर दिया, यानी हम आज समाज के साथ हैं। इसके साथ साथ स्कूलें, जितनी भी स्कूल्स हैं सबने बंद कर दिया, जबकि स्कूलें जनरली बंद होती नहीं है ज्ञापन में, लेकिन सब बंद किए। इसका मतलब बहुत बड़ा जघन्य अपराध हुआ है और उस अपराध के विरोध में आज इतना बड़ा, इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं, महिला मंडल और जैन समाज, अजैन समाज, सारा जाति बिरादरी, 30-35 जाति बिरादरी के लोग, अध्यक्ष, मंत्री सारे यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो और जुलूस जो निकला है उसका एक छोर बिल्कुल रेलवे स्टेशन पे था, दूसरा छोर सूचना केंद्र पे था, इतना लंबा जुलूस था और बिल्कुल मौन जुलूस, काली पट्टी बांधे हुए, कहीं बोलना नहीं, चलना नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, जुलूस इतना शांति जुलूस यहाँ निकला। और कलेक्टर साहब का मैं आभारी हूँ कि वो आज बाहर जाते टूर पे लेकिन हमारे निवेदन पर यहाँ रुके और अपना ज्ञापन यहाँ स्वीकार किया और हमें पूरा समय दिया, उन्होंने कहा है, आश्वासन दिया है कि हम ये पूरे बात हम राज्यपाल, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक पहुँचाएंगे।